हाय गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में आपने 5 ईयर्स कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी के साथ पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब दूसरा चैप्टर है विद्युत कार्य के लिए औजार, टूल्स फॉर इलेक्ट्रीशियन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, विद्युत कार्य ही क्या प्रत्येक प्रकार के कारीगर के लिए औजार ही उसके हाथ पांव होते हैं और बिना औजारों के उसके लिए किसी प्रकार का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य कर पाना कठिन होता है। विद्युतकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों को मोटे तौर पर निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत कर अध्ययन किया जा सकता है। टूल किट, टूल्स, इसके अंतर्गत वे औजार आते हैं जिन्हें विद्युतकार प्रायः अपने सचल टूल किट में अपने साथ रखते हैं। ये औजार हैं स्क्रू ड्राइवर, या जिसे हम पेचकस कहते हैं सामान्य भाषा में। इसके निम्न तीन भाग हैंडल, ब्लेड और काम या टिप करने वाला सिरा होता है। हैंडल लकड़ी, प्लास्टिक या सेल्यूलाइट का बना होता है और ब्लेड कठोर स्टील का होता है। इसके काम करने वाले सिरे को कठोर कर दिया जाता है। इसे पेच कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक पेचकस जिसके ब्लेड की लंबाई 75 mm होती है, उसे कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर कहते हैं और इसे स्विचो होल्डरों वाले सॉकेट इत्यादि के पेचों को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ये स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है। देखिए, हमारा स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार का होता है। इसका जो होता है ये बिट होता है जिसको हम कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और ये शैंक होता है, और ये हैंडल होता है जो कि प्लास्टिक, लकड़ी या सेलुलाइट का बना होता है। इसकी जो लंबाई होती है उसकी लंबाई यहाँ टिप्स लेकर यहाँ तक होती है, हैंडल तक, फुल हैंडल तक इसकी जो लंबाई होती है जो 75 mm का होता है उसको कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। अब देखते हैं इसका रखरखाव कैसे किया जाता है। ढीले हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर को कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके ब्लेड का काम करने वाला सिरा अवश्य ही पेच के खांचे में सही प्रकार फिट होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे कभी भी फार्मर चीजल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं प्लायर। प्लायर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन प्लायर जिसकी साइज होती है 150 mm से 200 mm तक, और दूसरा है नोज प्लायर जिसकी साइज होती है 100 mm से 150 mm तक, और तीसरा होता है साइड कटिंग प्लायर जिसकी साइज होता है 150 mm से 200 mm तक। देखते हैं इसका। देखिए, यह है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। देखिए, जो ये जो भाग होता है कटर होता है, इससे हम काटने के लिए भी, जैसे वायर काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये मूविंग जॉ है, इसका जो जबड़ा होता है मूव करता है, और ये इसके लेग हैं जो कि इंसुलेटेड हैं। ये कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, यह किसी चीज़ को काटने, मोड़ने, ऐंठने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही, यह स्टील का बना होता है। इसका साइज इसकी लंबाई के अनुसार नापा जाता है। इसमें काटने के लिए एक कटर होता है। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बहुत से कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे तारों को काटना, मोड़ना और गोलाकार तथा चपटी चीज़ों को पकड़ना। यह इंसुलेशन सहित या
बिना इंसुलेशन के होते हैं। एक इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर विशेष तौर पर जीवित कंडक्टरों पर काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर करंट को मनुष्य के शरीर में जाने से रोकता है। इसका प्रयोग एल्युमिनियम और तांबे के तारों के लिए होता है। अब देखते हैं नोच प्लायर। नोच प्लायर चपटे व नोकदार प्लायर वस्तुओं को पकड़ने के काम आते हैं। चपटे नोकदार प्लायर चपटी चीज़ों जैसे नट इत्यादि को ऐसी जगह पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जहाँ दूसरे प्लायर काम करने में असमर्थ हो। गोलाकार नोक वाले प्लायर पतले तारों को छीलने बनाने के काम आते हैं। लंबी नोक वाले प्लायर तंग स्थानों में छोटे तारों को जोड़ने और हटाने के लिए काम आते हैं। इनमें एक तरफ पतला तार काटने के लिए कटर भी होता है। ये अनेक प्रकार के फ्लैट नोज, राउंड नोज, बैंड नोज आदि विद्युत में लॉन्ग नोज प्लायर उपयोग में आता है। देखते हैं लॉन्ग नोज प्लायर किस टाइप बना होता है। देखिए हमारा लॉन्ग नोज प्लायर है, इसकी जो होती जा होती बहुत लंबा होता है, जो कि तंग स्थानों में भी इसको इससे कार्य किया जा सकता है। साइड कटिंग प्लायर में एक तरफ एक कटर होता है और यह तार को काटने और उन पर से इंसुलेशन हटाने के लिए प्रयोग में आता है। यह आमतौर पर आर्मेचर वाइंडिंग यंत्र, रेडियो इत्यादि बनाते समय प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसा होता है साइड कटिंग प्लायर। देखिए होता है साइड कटिंग प्लायर, इसका जो जो आप होता है एकदम तो कटर हो इसमें लगा होता है, काटने वगैरह के लिए, तार और काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये तो साइड कटिंग प्लायर, इसका जो कट होता है तिरछा होता है। इसका रख रखाव कैसे किया जाता है। प्लायर को हथौड़े की तरह प्रयोग मत कीजिए, इससे स्टील की तार जैसी कठोर वस्तुओं को कभी मत काटो। इसे गर्म वस्तुओं को मत पकड़ो। एक इंसुलेटेड प्लायर के इंसुलेशन को कभी भी नष्ट करने की कोशिश मत करो। प्लायर को जंग से बचाएं। कुछ समय बाद केवल इसके घूमने वाले भाग को ही तेल डालना चाहिए। अब देखते हैं हैमर। हैमर मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पीएसन हैमर। इलेक्ट्रिशियन के लिए मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। देखते हैं बॉल पिन हैमर क्या होता है। बॉल पिन हैमर हथौड़े कई प्रकार के होते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर बॉल पिन हैमर का उपयोग इलेक्ट्रीशियन में किया जाता है, जबकि क्रॉस पिन हथौड़े का उपयोग शीट मेटल के कामों में रिवेट लगाने में होता है। हथौड़े की साइज उसकी वजन के अनुसार होता है और जो इसका बॉल पिन हैमर होता है ये 0.22 kg से 0.25 kg तक होता है। अब देखते हैं क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर लकड़ी की बैटन में क्लिप लगाने और शीट मेटल के कामों में रिवेटिंग करने बहुत अच्छा है। इसका रख रखाव देखते हैं, इसका हैंडल अच्छी तरह से कसा हो। ढीले हैंडल का हथौड़ा कभी मत प्रयोग कीजिए। देखते हैं इसका फिगर कैसा होता है, बॉल पिन हैमर कैसा होता है। देखिए गाइज ये बॉल पिन हैमर है, इसके ऊपर जो है बाल लगा हुआ है और इसका जो फेस होता है इसका सीधा होता है। इसका जो पिन होता है इस पर बाल लगा होता है, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर कहते हैं। ये इसका वेज होता है जिसमें कि इसका हैंडल घुसाया जाता है। ये आई होल होता है जिसमें हैंडल घुसा होता है।
और यह क्रॉस पिन हैमर, यह क्रॉस पिन हैमर। इसका जो है पिन क्रॉस है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। हथौड़े के लिए सिर पर ग्रीस या तेल के निशान नहीं होने चाहिए। हथौड़े से कठोर स्टील को मत ठोको क्योंकि इसका सिरा रख खराब हो सकता है। अब देखते हैं गाइस, मैलेट क्या होता है। मैलेट यह लकड़ी का बना हथौड़ा होता है। इसका भार 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग लकड़ी के बोर्ड को बनाते समय कीली ठोकने के काम आता है। तथा लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम आदि धातुओं से बनी पतली चादरों को, तारों को आदि को सीधा करने के लिए किया जाता है। लकड़ी के बोर्ड को काटने के लिए फर्मल चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका रख रखाव देखते हैं, क्या रख रखाव होना चाहिए। प्रयोग से पूर्व जांच कर लेनी चाहिए कि हैंडल ढीला तो नहीं है। कठोर धात्विक वस्तुओं जैसे कील आदि पर चोट लगाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मैलेट का प्रयोग होता है, इसका कील ठोकने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग होता है मेटल की सीट को सीधा करना, वायर को सीधा करना इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। जिन एनविल आदि पर रखकर धात्विक सीट पर चोट मारनी है वह समतल होनी चाहिए। देखते हैं मैलेट कैसा होता है। देखिए गाइस, मैलेट जो होता है पूरा लकड़ी का बना होता है। इसका वजन होता है 500 से 1 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। अब देखते हैं फेज टेस्टर, देखते हैं फेज टेस्टर क्या होता है। फेज टेस्टर यह देखने में तो पेचकस जैसा होता है, परंतु यह पेचकस नहीं है। इसके ब्लेड की लंबाई प्रायः 8 सेंटीमीटर या 80 mm होता है। इसके हैंडल में एक रजिस्टर तथा एक नियॉन लैंप सैंक और हैंडल के ऊपर धात्विक कैप के बीच संयोजित रहता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसके कैप को स्पर्श करता है, करता हुआ इसकी टिप को फेज तार या पिन से स्पर्श करता है तो इसका नियोजन लैंप चमक उठता है। देखते हैं फेज टेस्टर कैसा होता है। देखिएगा ये फेज टेस्टर होता है, ये जो लगा है ये रजिस्टर लगा होता है इसमें, और जो ये जो है नियॉन लैंप लगा होता है। जब जब इसके टिप को फेज तार से कनेक्ट करते हैं और जब इसके जो टिप को लाइन में टच करवाते हैं, फेज में टच करते हैं, और यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना उंगली रखकर करता है तो ये यहाँ का जो नियॉन लैंप होता है जलने लगता है, क्योंकि जो यहाँ से तो फेज मिल रहा है और जो अर्थ मिलता है व्यक्ति से मिलता है। व्यक्ति को करंट इसलिए नहीं मारता क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ बहुत हाई कैपेसिटी का रजिस्टर लगा होता है। जो फेज की उपस्थिति दर्शाता है यह, देखिए गाइस, जो टेस्टर होता है वो 500 वोल्टेज तक यूज किया जाता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रीशियन नाइफ क्या होता है। इलेक्ट्रीशियन नाइफ यह दो ब्लेड वाला विशेष प्रकार का चाकू होता है। इसका एक ब्लेड धारयुक्त होता है जिसका उपयोग वैद्युत वायरिंग में तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। दूसरे ब्लेड का उपयोग इनेमल्ड तार का इनेमल साफ करने तथा अन्य तारों के सिरों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके ब्लेड्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर या 80 mm की लगभग होती है।
देखिए गाइस, ये हमारा है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, जो इसका एक ब्लेड होता है ये धारदार होता है और दूसरा धार युक्त होता है, क्योंकि जो अगर तार और छीलने के बाद जो उसमें थोड़ा बहुत तार लगा रहता है उसको इससे रगड़ कर साफ कर देते हैं, और एक कट लगाने के लिए होता है। अब देखते हैं स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस, इसका प्रयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। इसके प्रयोग के बाद इसे बंद करके ही टूल किट में रखना चाहिए। इसका प्रयोग इनेमल तारों का इंसुलेशन खुरचने में नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं चीजल छैनी। छैनी दो प्रकार की होती है। चीजल दो प्रकार की होती है, पहला कोल्ड चीजल, दूसरा हार्ड चीजल। अब देखते हैं चीजल। यह हार्ड चीजल्स का प्रयोग तो लोहार खानों में किया जाता है। कोल्ड चीजल सामान्यतः क्रॉस कट, फ्लैट, राउंड नोज, डायमंड पॉइंट, काओ माउथ, साइड कटिंग प्रकार की होती हैं। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य के लिए दो प्रकार के चीजल की आवश्यकता होती है, थर्मल चीजल तथा कोल्ड फ्लैट चीजल। 12 mm चौड़े तथा 15 सेंटीमीटर सैंक एवं 45 डिग्री पर बनी धार वाली थर्मल चीजल उपयुक्त होती है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी व माइका शीट्स तथा फिटिंग को आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी एक एज वाली फ्लैट कोल्ड चीजल विद्युत कार्य के लिए उपयुक्त होती है। इसका मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसे पेचकश की भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के चीजल खराब हो सकती हैं और चोट भी लग सकती है। इसकी धार कुंद हो जाने पर इसे आयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिस कर धार तेज कर लेनी चाहिए। इसे धातुओं पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए थर्मल चीज यही होता है, लकड़ी की वस्तु पर कट लगाने के लिए बोर्ड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही होता है इसका नुकीला भाग, जो कि 45 डिग्री कोण का बना होता है। ये लकड़ी या प्लास्टिक का हो सकता है। इसका हैंडल देखिए कोल्ड चीजल। यदि इसका हैंड फेल हो गया हो तो उसे ग्राइंडर पर घिस कर सही आकृति में कर लेना चाहिए, अन्यथा इसके टुकड़े चोट पहुंचा सकते हैं। इसकी धार तेज तथा टेम्पर्ड होनी चाहिए। रावल प्लग टूल, यह औजार आकृति में धात्विक हैंडल वाले पेचकस जैसा होता है। इसकी बिट टूल स्टील से बनी होती है और उसे आवश्यकता अनुसार हैंडल में कसा व खोला जा सकता है। दीवार, छत आदि में छिद्र करते समय इसकी बिट को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना चाहिए। दीवार आदि में किए गए छिद्र की रावल प्लग फिट किया जाता है। यह फाइबर से बनाया जाता है और इसे ठोकने से पूर्व कुछ घंटे जल में भिगोकर रखा जाता है, जिससे कि यह पेच को सरलता से जकड़ लें। देखते हैं स्पेशल इसका मेंटेनेंस क्या है। इसे धातुओं की चादर आदि में छिद्र करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे भूमि पर पटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार इसकी बिट टूट सकती है। ओल्ड चीजल है और यह रावल प्लग टूल बिट।
जिसको कि प्रयोग करने से पहले 1 आधा घंटा से 1 घंटा तक पानी भिगो कर रखना चाहिए। थैंक यू गाइस, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।